हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के सामने खड़े हैं और अभी सर इंटरव्यू देखे आ रहे हैं। इनसे जाने हैं किस तरीके से वहाँ का माहौल और क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। हेलो सर, इंटरव्यू का सर आप इंटरव्यू ठीक रहा? बोर्ड का जो व्यवहार था कॉपरेटिव रहा, ठीक रहा। नाम और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से? मेरा नाम देव प्रताप सिंह है और मैं अलीगढ़ जनपद से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने पीजी किया हुआ है डीएस कॉलेज अलीगढ़ से और वहीं से ग्रेजुएशन है, प्लस मैं बीएड बीटीसी किया हुआ है। सर, अभी आप इंटरव्यू देख के आ रहे हैं तो क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, क्वेश्चन तो है ना, वहाँ वो एक बोर्ड है, वो एक हायर मतलब अधिकारी के लैंग के, तो वो कुछ भी उनके कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि वहाँ किताबी ज्ञान या वो है, वहाँ इंटरव्यू का मतलब ये है कि वो एक आपके पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि वो आपको एक अधिकारी के रूप में देख रहे हैं तो वो किस तरह से वो चीज़ फेस की जाएगी। वहाँ इंटरव्यू में जनरली कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से और कुछ जो ऑप्शनल है उससे और कुछ जो करंट के इश्यूज हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। हिंदी, तो हिंदी से क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया? हिंदी से एक दो समास अलंकार वगैरह और एक दो चौपाई वगैरह पूछ ली, तो बताया कि इसका क्या अर्थ होगा और उनके कबीर जी के बारे में पूछ लिया था, बस इतना ही रहा। और करंट इश्यूज से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट इश्यूज से देखिए सर, करंट इश्यूज से जो मोस्टली पूछे गए वो एक G20 सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और क्या कहते हैं आपके रूस यूक्रेन जो मुद्दा चल रहा है, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन की जो उसमें यूक्रेन में जो यात्रा हुई है उससे संबंधित, और वर्तमान अभी जो बजट आया है कल बजट जारी हो, उससे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लिया कि ये संविधान किस अनुच्छेद में आता है, बस इतना ही पूछा। और बाकी सिचुएशन वगैरह को दी थी सर? सिचुएशन वगैरह जो मेरा जो इंटरव्यू कहा वो मेरे जो वर्तमान में जिस पद में मैं कार्यरत हूँ या जिस विभाग में हूँ वहाँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए। इससे पहले कहाँ पर सिलेक्शन हुआ सर आपका? इससे पहले मैं उसमें यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट टीचर अलीगढ़ में गंगरी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। तो जैसे कि जो मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो क्या मतलब उनका जो इंटरव्यू होता है तो क्या उस पर ज़्यादा मतलब बेस होता है? नहीं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि वो एक तो वहाँ किसी ना किसी पोस्ट पर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, वहाँ कार्यरत हैं और वहाँ उनको जो इंटरव्यू में जो सर बैठे हुए होते हैं पैनल में वो ये पूछते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमको हम उसी विभाग में बंदे को अगर आधिकारिक रूप में देखें या अधिकारी बना दें तो वो इस विभाग को कैसे सुधार पाएंगे या उसमें क्या कुछ कमियाँ हैं, उनको कैसे सुधारेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसी से संबंध। सर, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब ऑलरेडी कहीं ना कहीं चाहे छोटी पोस्ट पे किसी न किसी पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो वो लोग का कमेंट होता है कि मान लीजिए हम जॉब करें चाहे सरकारी जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, तो अपनी जॉब के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपनी तैयारी कैसे करें ताकि जो है यहाँ पर UPPCS की मतलब तैयारी। देखिए, इसके लिए तो मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट टीचर पर लगा हूँ 68500 बैच में, तो मैं तो ये कहूँगा जब मैं कर सकता हूँ तो आदमी कर भी सकता है, बस अर्थ इतना होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि जॉब भी करें और टाइम को भी मैनेज करें। क्योंकि देखिए सर, मैं जब ड्यूटी के लिए जाता था तो सुबह मुझे अगर सपोज करो 8 बजे जाना है ड्यूटी के लिए, 8 या 9 बजे, तो मैं सुबह 5 या 6 बजे उठता था, तो सुबह के लिए करंट न्यूज वगैरह जो भी पढ़ता था एक सरसरी निगाह से, और फिर शाम को जब मैं लौटता था फ्री फ्रेश वगैरह होकर फिर मैं लगभग 2 से 3 घंटे आंसर राइटिंग करता था। ये इस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया। कितना घंटे आप पढ़ाई को देते थे अपने जॉब पीरियड में रहते हुए? सर, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मैंने 5, 6, 7, 8, 7 घंटे मैक्सिमम मैंने 7 या 8 घंटे के इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाई। अच्छा सर, जैसे कभी आपका ये मन हुआ कि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं एक मतलब सिक्योर जॉब में थे तो कहीं ऐसा मन हुआ कि मतलब क्या मतलब यही बार बार पढ़ना तैयारी करना ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि शुरुआत में मेरी हॉबी या सोच थी कि मुझे हायर में जाना है, मतलब एक अच्छे पद पे जाना है, बस अर्थ ये रहा कि बीएड किया बीटीसी किया तो 2018 में पहली बार में टेट वैट निकाला, सुपर टेट हो गया तो जॉब मिल गई और अलीगढ़ जनपद ही मुझे मिल गया, तो फिर उस जॉब को करना पड़ा। लेकिन मन में मेरा शुरू से ये था कि मुझे UPSC या State PCS निकालना है। तो कहीं पर सर आप इसके लिए कोचिंग वगैरह मतलब कहीं पर जुड़े हुए थे या फिर किस तरीके से? देखिए, इसको कहीं प्राइवेट कोचिंग वगैरह कहीं नहीं लिए, ना तो दिल्ली में ना इलाहाबाद में। इस यहाँ तक जो आने का जो मेरा मुख्य रास्ता जो है वो आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर, जो हमारे यहाँ तहसील कोल में जनपद अलीगढ़ में तत्कालीन SDM बनकर आए थे,
जो इस समय डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में एडीएम फाइनेंस है, उन्हीं के द्वारा गरीब बच्चों के लिए एक कोचिंग शुरू की गई थी तहसील कैंपस में ही, उसका नाम है सिविल सर्विस मार्गदर्शिका। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली और आज उन्हीं डॉक्टर पंकज सर की बदौलत है जो मैं आज यहाँ तक इंटरव्यू देने पहुँचा। सर अभी जब 2021 का जब रिजल्ट आया था तो कई सारे कैंडिडेट्स वहाँ से मतलब टॉपर बने, कई सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे आप जो कोचिंग बता रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर गए थे, वीडियो वगैरह किए थे, तो मतलब थोड़ा कोचिंग के बारे में बताइए कि मतलब किस तरीके से कार्य करता है, मतलब फीस वगैरह क्या लगते हैं या फिर किस तरीके से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए हाँ, फीस तो ये मान लीजिए फीस तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, आपसे ये नहीं है कि कोई एक चवन्नी भी वहाँ से लेगा, फीस तो वहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। बस वहाँ थोड़े से जो लोग सेलेक्टेड हैं पहले से, जैसे राजवीर सर हैं वहाँ, रिंकू भैया हैं और पंकज सर का तो मार्गदर्शन वहाँ से मिलता ही रहता है, और जो लोग आप लोग अब तक जो लोग वहाँ लग चुके हैं विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में, ये नहीं कि इसी में, अन्य अन्य डिपार्टमेंट में मिल चुके, तो वो लोग वहाँ आते रहते हैं समय समय पर जैसे समय मिलता है, और वहाँ आके बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और जो कंटेंट वगैरह है जो भी टेक्स्ट बुक हैं या जो टेस्ट सीरीज है उनके बारे में बताते रहते हैं, और बाकी वहाँ सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया। एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? एडमिशन लेने का तो सर वहाँ एक छोटा सा टेस्ट होता है, तो हाँ अगर आपको उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ऐसा कुछ है कि मतलब आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है मतलब अलीगढ़ वहीं के बच्चे होते हैं या फिर पूरे स्टेट के कहीं से भी होते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, देखिए हमारे यहाँ जो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका जो कोचिंग चली है वहाँ से ना कई जनपद के, देखिए डॉक्टर पंकज सर जो है हमारे तहसील कोल में रहे थे, उसके बाद नजीबाबाद पड़ता है तो वहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने कोचिंग शुरू की थी, उसके बाद सहारनपुर भी पहुँचे हैं तो सहारनपुर से भी मैं कोचिंग शुरू की है, और इस समय महाराजगंज में भी कोई पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट वहाँ भी उन्होंने कोचिंग शुरू की है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक फैमिली एक ग्रुप है और एक फ्री तरह से उसमें काम करता है, अन्य अन्य जनपदों के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इसमें। स्पेशली ये नहीं है कि आप जैसे अलीगढ़ में वो संचालित है माली पुस्तकालय में तो अलीगढ़ जनपद के ही हों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं के भी हो, कहीं के भी जा सकते हैं, ऑल यूपी, और इवन ये मान लीजिए कि वहाँ से अन्य स्टेट के भी कई लोग, पटना के, बिहार के, और जैसे दिल्ली के भी हैं कुछ लोग, कुछ लोग राजस्थान से भी हैं, कई काफ़ी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। सर आपने मेंस के लिए मतलब क्या बुक्स वगैरह पढ़ते थे आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मीडियम सर आपका क्या है? हिंदी मीडियम। तो बुक्स वगैरह आप मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो? देखिए मेंस के लिए जो बुक हैं, पहले तो जो जैसे ज्योग्राफी के ज्योग्राफी हो गया आपका, ज्योग्राफी के लिए जी सी लियोंग है, आडी खुल्लर की है, माजिद हुसैन की, इनमें से जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सूटेबल रहे, जिसका आपको कंटेंट वगैरह या जो मटेरियल है जो लिखा हुआ वो आपको समझ में आता है, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए तो एस के पांडे भी है और आपके बिपिन चंद्रा, रामशरण शर्मा, ये सब हैं, इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए नितिन संगानिया, शंकर आईएएस की, इनके नोट्स वगैरह इनसे आप कर सकते हैं। सर इंटरव्यू के लिए किस तरीके से मतलब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पहली बार इंटरव्यू देने आते हैं तो एक मतलब अलग प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वहाँ जाएँ किस तरीके से वहाँ का माहौल रहता है, तो मतलब किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू? देखिए इंटरव्यू के लिए तो सबसे ये है कि जो इंटरव्यू जो है ना एक किताबी ज्ञान नहीं होता, वहाँ एक वहाँ की एक पर्सनलिटी चेक की जाती है। इंटरव्यू के लिए तो आप या तो कहीं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं जहाँ से आपने कोचिंग वगैरह की है, या फिर अगर वो नहीं कर सकते हैं आपके पास वो सुविधा नहीं है तो वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि तो सादा सीधी सी घर में एक मिरर लगाइए, वहाँ सामने आप रोजाना आपने स्वयं की वीडियो बनाइए, मिरर लगाइए और वहाँ खुद अपनी पर्सनलिटी चेक कीजिए और उसमें ये देखिए कि कहाँ आपको कमी आ रही है और कमी को सुधार कीजिए, बस यहीं से हो जाएगा। सर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 2023 का पीसीएस का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो मतलब उनको आप थोड़ा गाइडेंस कीजिए किस तरीके से अपनी तैयारी आगे आने वाले समय में करें। देखिए उसके लिए 2023 के लिए तो आप जो घटनाचक्र पूरा अवलोकन है उनको अच्छे से कर सकते हैं, और जो मंथली मैगजीन आती है जिनमें से आप स्टेट पीसीएस के लिए तो पीडी काफ़ी है, प्रतियोगिता डॉट, और आपके अगर यूपीएससी के लिए आप कर रहे हैं तो सिविल सर्विस क्रॉनिकल के नाम से एक आती है, उसको आप कर सकते हैं, और बशर्ते यह है कि आप कंटिन्यू, निरंतरता बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप आज आप 4 घंटे पढ़ लिए और कल आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ना घंटे मायने नहीं रखता कि नहीं जी आप रोजाना 10 घंटे या 15 घंटे पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं लेकिन वो जो चीज़ आपने कंटेंट जो भी कुछ भी पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा होना चाहिए कि वो आपको अगर एक बार दोबारा से आपके आंखों के सामने आ जाए तो वो चीज़ आपसे भूले नहीं। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, आशा करता हूँ सिलेक्शन आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।